हमारे पास काफी सारे सवाल आ रहे थे सीएनजी ऑप्शंस के बारे में कि कौन कौन सी सीएनजी किट्स लगानी चाहिए या कौन कौन सी कार सीएनजी कंपैटिबल है। अब देखिए प्रैक्टिकली तो ये जवाब देना संभव नहीं है कि कौन कौन सी कार सीएनजी कंपैटिबल। देखिए सारी सीएनजी जिन कार में लग सकती है वो पेट्रोल कार सारी सीएनजी लग सकती है, ऑफिशियल किट्स मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन सारी कार्स में आप सीएनजी लगाएंगे इसकी बिल्कुल ही रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि सीएनजी अपनी लाइफ जो है आपकी कार की वो कम कर देती है, इंजन परफॉर्मेंस डाउन कर देती है। तो हर एक कार बिल्कुल ही रिकमेंडेड नहीं होता है सीएनजी लगाने की। तो स्पेशली मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना देते जिसमें आप बेसिकली चूज कर सकते हैं कि कौन कौन सी कार्स में सीएनजी सक्सेसफुल है। इस बारे में आज हम पूरी बात करने वाले हैं। मैं निर्माण मैनेजर टर्बो ड्राइव के इस नए वीडियो में आपको फिर से स्वागत करता हूं। वीडियो पसंद आए तो जाने से पहले लाइक का बटन जरूर जरूर दबा देना, नीचे जाकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स आप फिर से छूट जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं यहां पर वीडियो की तरफ। यहां पर देखिए यहां पर हर एक कार के बारे में बोलना तो ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है, लेकिन मैं आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क दे सकता हूं जिससे आप अपनी कार में भले आप सीएनजी लगाए या ना लगाए उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेनली प्रैक्टिकली मारुति सुजुकी की कोई भी छोटी कार्स हो जो 1.2 लीटर की पेट्रोल इंजन यूज़ करती हो या 1 लीटर की पेट्रोल इंजन यूज़ करती हो उसमें आप आराम से सीएनजी लगा लीजिए, बहुत सक्सेसफुल है सीएनजी, आराम से चल जाएगी। फिर आते हैं यहाँ पे फोर्ड, फोर्ड की भी जो 1.2 लीटर की पेट्रोल इंजन है उसमें भी आप आराम से सीएनजी लगा सकते हैं, उसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। यहाँ पे हुंडई के पास भी जो पेट्रोल इंजन है छोटी छोटी कार्स में यूज़ होती है, सैंट्रो, फिर हुंडई i10 में जितनी भी इंजन यूज़ होती है इन सब कार्स में, उस इंजन में भी आप यहाँ पे पेट्रोल की जो इंजन है उसमें भी आप सीएनजी लगा सकते हैं। ये तीनों कार मैन्युफैक्चरर्स जो है इनमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। और कौन कौन सी कार मैन्युफैक्चरर्स है, ये तीनों कार मैन्युफैक्चरर्स मैंने इसलिए रिकमेंड किया क्योंकि इनके किसी ना किसी वेरिएंट में सीएनजी ऑप्शंस अवेलेबल है, मतलब कि ऑलमोस्ट इनका जो इंजन है, इंजन की डिजाइन है वो सीएनजी झेलने के लिए बनी हुई है, तो आपको ज्यादा दिक्कत इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी नहीं आने वाली है। अब बढ़ते हैं दूसरी कार मैन्युफैक्चरर्स की और जिनकी ज्यादा कोई सीएनजी में हालचाल नहीं है, यहाँ पे आ जाते हैं महिंद्रा। महिंद्रा भी केयूवी है वो सीएनजी में बेचती है, तो महिंद्रा भी आप ले सकते हैं, छोटी इंजन वाली महिंद्रा मतलब कि केयूवी वगैरह जो है उनमें आप ऑप्ट कर सकते हैं। बड़ी महिंद्रा की व्हीकल्स पे बिल्कुल सीएनजी मत लगाइए, पावर की बहुत ज़्यादा दबी दबी वाली फीलिंग आएगी। अब टाटा पे आ जाते थे कि टाटा की नैनो जो है उसमें आप सीएनजी लगा सकते हैं, लेकिन टाटा की उसकी ऊपर की जितनी भी कार्स है उनमें मैं रेकमेंड नहीं करूंगा आपको सीएनजी लगाने में, क्योंकि कंपनी अभी तक एक भी आफ्टर मार्केट एज एन ऑफिशियल एक्सेसराइज सीएनजी ऑप्शंस रेकमेंड नहीं करती है। इसका मतलब कि उनकी जो इंजन है वो शायद से उतना सक्सेसफुल नहीं है विद सीएनजी। आप आफ्टर मार्केट आप जाके लगा सकते हैं, लेकिन कंपनी अगर ऑफिशियली कोई रेकमेंड नहीं कर रही है मतलब कि उनकी इंजन उतनी अच्छी सीएनजी के साथ हालचाल नहीं है, तो इसीलिए आप उसमें सीएनजी ना लगाइए। फिर यहाँ पे एक आध तो दूसरे कार मैन्युफैक्चरर्स की ओर चले जाते हैं। टोयोटा जो है वो अपनी इनोवा की सीएनजी वेरिएंट निकाल रही है, मतलब कि इनोवा में भी या कोई भी वो इंजन ऑप्शंस यूज करने वाले जो कार्स है टोयोटा के पास उसमें भी आप सीएनजी लगा सकते हैं। इटियोस और इटियोस लीवा में मैं तो रिकमेंड करता हूँ मत ही लगाइए क्योंकि उसमें ज़्यादा दिखा नहीं गया है, लेकिन टोयोटा की अभी इनोवा सीएनजी में आ रही है मतलब कि आने वाली है, तो उसमें भी आप सीएनजी लगा सकते हैं। फिर होंडा पे आ जाते हैं। होंडा भी अपनी अमेज एक टाइम पे सीएनजी ऑप्शन में सेल करती थी, तो अमेज में भी आप या कोई भी होंडा की छोटी जो कार्स है उनमें भी आप सीएनजी ऑप्शंस लगा सकते हैं पेट्रोल वेरिएंट के साथ। बाकी वॉक्सवैगन वगैरह जो है उनमें मैं ज़्यादा रेकमेंड तो बिल्कुल ही नहीं करूँगा सीएनजी ऑप्शन दिलवाना, क्योंकि उनकी नेचुरली उनका ये है कि बहुत अच्छी ड्राइविंग डायनामिक्स है, बहुत अच्छी इंजन परफॉर्मेंस है, तो परफॉर्मेंस वाले इंजन में सीएनजी ना ही डालिए वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जितनी भी एसयूवीज हैं या बड़ी गाड़ी हैं 10 लाख 20 लाख रुपए की जो कार्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा वेट होता है, तो इसलिए उस सब कार्स को जो है ना वो आप इग्नोर कीजिए उनमें सीएनजी लगाना, क्योंकि उनमें सीएनजी जो है वो पावर लॉस जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपको यहाँ पे वो हेल्प नहीं करेगी जितनी आप चाहते हैं, आपको नुकसान ही होगा, इतना कम पावर के साथ आप गाड़ी उतने मज़े से नहीं चला पाएंगे, तो इसीलिए उन सब कार्स में आप सीएनजी इग्नोर कीजिए। ये बेसिक सा ट्रिक है। आप जितनी भी कार मैन्युफैक्चरर्स हैं उनमें आप पहले देखिए कि उस इंजन ऑप्शन की कोई भी कार्स जो है उनके पास वो सीएनजी में अवेलेबल नहीं है। अगर आपको पता नहीं है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि हर एक कार के नाम तो यहाँ पे लिया नहीं जा सकता, तो उसमें आप फिर छांट सकते हैं। नहीं तो अगर वो कार मैन्युफैक्चरर अपनी कोई ऑफिशियल एक्सेसराइज सीएनजी किट रेकमेंड करती है तो आप मतलब कि सीएनजी किट ऑफिशियली कहीं से भी लगा सकते हैं, मतलब कि वो कार सक्सेसफुल है। अगर इन दोनों केसेस में कोई केस नहीं होता है मतलब कि आप मत लगाइए सीएनजी किट, वो कार उतनी सक्सेसफुल नहीं रहेगी इस बात पे। बस आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, मेनली मैंने जो इन्फॉर्मेशन कन्वे करना था वो कन्वे कर दिया है। अगर आपको बेस्ट सीएनजी किट्स की एक्सेसरीज वाला एक वीडियो चाहिए कि कौन कौन सी सीएनजी किट्स ऑफिशियली इंडिया की बेस्ट है जिससे आप लगा सकते हैं, उसमें भी आप सवाल पूछ सकते हैं, मैं जरूर जरूर आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।